A warm welcome and welcome back online classes of Prayag Public School. And today I am here with English conversation of class 2. And today I am going to introduce you chapter 2 of your English conversation. And what is your chapter name? This is who and who is and what is your family? Okay, what is your family? What is family? Family, we live with our parent and family members. It's called our family. Okay, now look at this. Who is what in my family? Who is कौन है? What in my family? और मेरी family में क्या है? Okay, we live with our parent and family members. It's called our family. We live with our family members. हम लोग अपने family members और अपने parent के साथ रहते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं? Family. Okay, now let's I'm going to introduce your chapter now. And you all open chapter 2. Now you all open your chapter 2. Who is what in my family? Who is कौन है? What in my family? और मेरी family में क्या क्या है? Okay, now let's read. There is teacher. It is a conversation of a classroom. It is a conversation of a classroom. There are student and teacher. Okay, now let's start. Teacher. First one is teacher. Good morning, children. Children. Good morning, ma'am. Teacher, today we will talk about the works of our family members. Gaurav, what is your father? Teacher. Teacher क्या बोल रही है? कि आज हम लोग अपनी फैमिली के बारे में बात करेंगे. ठीक है? गौरव, आपके फादर क्या हैं? ना. गौरव, my father is a clerk. He is in income tax department. गौरव ने क्या आंसर किया? टीचर ने पूछा, आपके फादर क्या हैं? गौरव ने आंसर किया, my father is a clerk. मेरे फादर क्या हैं? क्लर्क हैं. और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, यानी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्लर्क हैं. टीचर, एंड योर मदर? टीचर पूछ रही है, और आपकी मदर? गौरव, माय मदर इज़ अ हाउस वाइफ. मेरी मदर क्या है? हाउस वाइफ है, यानी वो घर में रहती हैं, कोई भी जॉब या बिजनेस नहीं करती. ओके. टीचर, डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट? डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट? टीचर ने पूछा, क्या आपके ग्रैंड पेरेंट हैं? यानी ग्रैंड पेरेंट मीन्स दादी बाबा. ओके, नाउ गौरव इज आंसरिंग. गौरव क्या आंसर कर रहा है? यस आई हैव. हाँ, मेरे हैं. टीचर, व्हाट डू दे डू? टीचर ने पूछा, वो क्या करते हैं? गौरव, दे स्टे एट होम. दे आर टू ओल्ड टू वर्क. दे स्टे एट होम. वो घर में रहते हैं और वो बहुत क्या है? बूढ़े हुए हैं, कि वो अब कोई काम नहीं कर सकते. टीचर, दैट्स गुड. इट इज़ योर टर्न. दिव्या, सो व्हाट आर योर पेरेंट्स? टीचर ने बोला, दिव्या अब आपकी बारी है. अब आप बताइए, आपके पेरेंट क्या करते हैं, क्या हैं? दिव्या, माय फादर वर्क्स इन अ कंपनी. ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देयर. दिव्या ने आंसर किया, मेरे फादर एक कंपनी में वर्क करते हैं और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. ओके, नाउ टीचर, व्हाट डस सी डू एट होम? वो टीचर ने पूछा, दिव्या, माय मदर इज आल्सो अ होम मेकर. सी रिमेन एट होम. मेरी जो माँ है वो भी एक होम मेकर, मतलब जो घर में रहते हैं, जो घर की देखभाल करते हैं, जो घर का काम करते हैं, उनको बोलते हैं होम मेकर. ठीक है ना? क्योंकि मदर होम मेकर होती है ना, सारे घर में हमारी अरेंजमेंट, हमारे प्रिपरेशन कौन करता है? मदर करते हैं ना. तो माय मदर इज़ आल्सो अ होम मेकर. सी रिमेंस
एट होम, वो घर में रहती है। टीचर, व्हाट डज सी डू एट होम, वो घर में क्या करती हैं। दिव्या, सी टेक्स केयर ऑफ होम, चिल्ड्रेन एंड किचन, सी लुक्स आफ्टर आवर हेल्थ, वो घर में रहती हैं, वो किचन का काम करती हैं और हमारी देखभाल करती हैं। ठीक है टीचर, वेरी गुड, एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर ने बोला वेरी गुड, और आपके ग्रैंड पेरेंट यानी दादी बाबा क्या करते हैं। दिव्या, माई ग्रैंड पा इज अ रिटायर्ड स्कूल टीचर, माई ग्रैंड मा ऑल्सो रेस्ट नाउ, अब जो मेरे ग्रैंड पा यानी बाबा जी हैं वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, ठीक है, और जो मेरी ग्रैंड मा हैं वो भी घर में रहती हैं। नाउ टीचर, इज योर फादर अ डॉक्टर, अखिल, टीचर ने पूछा, अखिल क्या आपके पापा डॉक्टर हैं। अखिल, नो मैम, माई फादर इज अ शॉपकीपर, ही ट्रेड्स इन प्लास्टिक्स एंड आर्टिकल्स, और प्लास्टिक आर्टिकल्स। नो मैम, मेरे फादर डॉक्टर नहीं हैं, वो बिजनेसमैन हैं, वो प्लास्टिक का सामान, प्लास्टिक की चीज़ें बेचते हैं। माई मदर हेल्प्स माई फादर एट शॉप, और मेरी माँ मेरे पापा जी को दुकान में मदद करती हैं। वन ऑफ माई अंकल्स ऑल्सो आर्टिस्ट, माई फादर इन बिजनेस, ओके, वन ऑफ माई अंकल, मेरे एक अंकल भी ऑल्सो असिस्ट माई फादर इन बिजनेस, और मेरे एक अंकल भी मेरे पापा को बिजनेस में सहायता करते हैं। ठीक है टीचर, दैट्स गुड अखिल, टेल अबाउट योर पेरेंट्स रमेश, अब उन्होंने बोला, टीचर ने बोला बहुत अच्छी बात है, अब रमेश तो आप अपने फादर के बारे में बताओ। नाउ रमेश, माई फादर इज अ डेंटिस्ट, माई मदर इज ऑल्सो डेंटिस्ट, रमेश ने क्या बोला, माई फादर इज अ डेंटिस्ट, मेरे जो फादर हैं वो दांत के डॉक्टर हैं, माई मदर इज ऑल्सो अ डेंटिस्ट, और मेरी माँ भी दांत की डॉक्टर हैं। टीचर, वॉट डू योर अंकल आंट डू, तुम्हारे अंकल आंट क्या करते हैं। रमेश, माई एल्डर अंकल रन्स अ क्लोथ शोरूम, माई यंगर अंकल इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही इज इन नगर निगम। माई एल्डर अंकल रन्स अ क्लोथ शोरूम, वो एक कपड़ों का शोरूम है उनका। माई यंगर अंकल, जो मेरे छोटे अंकल हैं, वो गवर्नमेंट सर नगर निगम में सरकारी विभाग में है। टीचर, गुड रमेश, व्हाट इज़ योर फादर फादर्स ऑक्यूपेशन दीपक, टीचर ने पूछा, रमेश तुम्हारे फादर का क्या व्यवसाय है। दीपक, माई फादर इज़ अ लॉयर एंड लॉयर, माई मदर इज़ अ क्लर्क इन अ स्कूल, सी ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ हाउस, मेरे फादर क्या है, लॉयर, लॉयर कौन होता है बेटा, वकील, मेरे फादर वकील है, और मेरी माँ क्या है, मेरी माँ जो है वो भी हाउस मतलब घर में रहती हैं, यानी घर की देखभाल करती हैं। टीचर, व्हाट अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट, तुम्हारे दादी बाबा के बारे में क्या है, टीचर ने पूछा, क्या है। दीपक, माई ग्रैंड पा इज इन रेलवे, ही इज़ अ क्लर्क देयर, माई ग्रैंड मा इज़ अ टीचर इन अ प्राइवेट स्कूल, मेरे जो ग्रैंड पा हैं वो रेलवे में है, और जो मेरी ग्रैंड मा है वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। टीचर, इज देयर एनी वन इल्स इन योर फैमिली, टीचर ने पूछा, क्या तुम्हारे फैमिली में और कोई है। दीपक, यस, वन ऑफ माई आंट फादर सिस्टर लिव्स विद अस, सी इज अनमैरिड, यस, वन ऑफ माई आंट, एक मेरी आंटी हैं, फादर सिस्टर मेरे पापा की सिस्टर हैं, यानी जिसको आप लोग बुआ बोलते हो ना, लिव्स विद अस, हमारे साथ रहती हैं, सी इज अनमैरिड, और वो अभी अनमैरिड में थे, उनकी शादी अभी नहीं हुई है। टीचर, इज सी वर्किंग, दीपक, सी टेक्स ट्यूशन एट होम, वो घर में ट्यूशन पढ़ाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इट वॉज कॉन्वर्सेशन ऑफ अ टीचर एंड
स्टूडेंट अबाउट देयर फैमिली. ओके, टीचर ने स्टूडेंट के साथ, तो आप इससे जान सकते हो कि आपकी, अगर हमें अपनी फैमिली और किसी से पूछना है या बताना है तो हम कैसे करके कॉन्वर्सेट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज़ योर होमवर्क. अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग यू विल राइट अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स एंड देयर वर्क. अब आप लोग क्या करोगे, कितने फैमिली मेम्बर आपके घर में हैं, उनका क्या क्या वर्क है, वो क्या करते हैं, ठीक है, अपने फादर मदर ग्रैंड पेरेंट अंकल आंट जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और वो क्या करते हैं, ठीक है, आपकी कैसे हेल्प करते हैं या फैमिली में उनका क्या काम है, यू विल राइट इट. ओके, इट इज़ योर होमवर्क. ओके, हैव अ गुड डे.